हेलो फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी मैथ क्लास टेंथ के पर्सनली 5.2 के आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसके पहले क्वेश्चन मैं एक करा दिया हूँ 5.2 के। तो 5.2 के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एपी 10-7-4 का तीसवा पद क्या होगा, और इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से एक रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी में क्या, यहाँ पर आपको तीसरा पद पूछा गया है, तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। पर्सनली 5.2 के कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि वो आपके एक ही सूत्र पर बनेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कौन फार्मूला है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे क्वेश्चन इसी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि पहला पद क्या है, चलिए इसको मैं डिटेल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ऐसे में तो इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकता है, तो पहले मैं इसे डिटेल कर दे रहा हूँ, उसके बाद से आप लोगों को मैं बताऊँगा किस प्रकार से इसको शॉर्ट करके आप लोग कम समय में इसका आंसर आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस एपी का प्रथम पद ए दिया है, यानी ए इसका 10 दिया है, और डी की सर निकलता है। तो डी निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, यानी 7 में से 10 को घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, तो ये आपका माइनस 3 आएगा। और जहाँ ये बोल रहा है तीसवा पद निकालने के लिए, जहाँ वा रहेगा उसके आगे वाला जो अंक होगा वो एन का मान होता है। किसका मान होता है, एन का मान। तो एन का मान कितना दिया है, 30 दिया है। फार्मूला कहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सब मान इसमें डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए एन कितना है, 30 है, बराबर ए कितना है आपका, 10 है, प्लस एन का मान 30 डालना है, माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है, माइनस 3 दिया है। तो आपका ए तीसवा पद आपका हो जाएगा 10 प्लस ए बचेगा 29 गुणे माइनस 3। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 इक्वल 10 प्लस, गुणा करेंगे कितना आएगा, ये प्लस से माइनस गुणा होगा, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 27 का 7, हाथ में लगा 2, 3 में 6 2 8, यानी 87, और 10 में से घटाएंगे 87, तो आपका 77 आंसर आएगा माइनस में। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, -77 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके डिटेल में, आपको ये हम बना देंगे, आपको दिखा देंगे। अब रही बात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये ऐसा बनाना नहीं होता है, आपको आंसर जो आपका होगा उसको आपको खोजना होता है, या जितना जल्दी खोजेंगे वो आपके लिए अच्छा होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसका तो डिटेल हो गया, तो एक बार इसे देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार बना हुआ है। अब आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है, शॉर्ट में करना है। तो आप इतना ना ले करके आप ऐसा कीजिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना आप लोग चाहें समय बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपके सब्जेक्टिव बनाते समय आप लोगों को समय बचा कर देगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप समय अधिक से अधिक बचा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और शॉर्ट करके सवाल बनाएंगे तभी हो सकता है ये। तो तीसरा पद कह रहा है, तो हम आपको बताए थे कि जब तीसरा कहेगा ए 30 कहेगा, तो ए प्लस इससे एक कम कर देना है, जितना कहेगा उससे एक कम करना है। तो 30 कहा है ना, तो यहाँ लिखना है 29D लिख देना है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा से हो जाएगा, ए मतलब पहला पद दिया है 10 प्लस, ठीक है, हाई कितना बताइए 29, गुणे इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है ना, तो 10 में से अगला में से नहीं घटाते हैं, अगर डी निकालते हैं हम लोग तो अगला में से पीछे घटाते हैं, तो 7 में से अगर 10 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा। तो आप कर सकते हैं 10 प्लस माइनस 87, आप लोग इस प्रकार से -77 आंसर लाएंगे। हालांकि प्रोसेस वही है, प्रोसीजर वही है, प्रक्रिया वही है, एक इसमें क्या किया गया है कि इसमें ए डी का मान को हम लोग यहाँ से लिखे नहीं है, हम लोग ये जानते भी है कि पहला ए होता है और डी इसके हम लोग मन ही मन से निकाल लेंगे। ये कब होगा, जो डिटेल में पढ़ा हुआ लड़का, जो डिटेल में बनाया हुआ है
वो इस तरह का प्रकार से इस तरह से बना सकता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे शॉर्ट करके बना सकते हैं। अब रही बात, तो इसका आंसर कितना हो गया, -77 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा का निकालना क्या है, 11वां पर निकालना है। तो आप पहले मैं इसे बना रहा हूँ डिटेल में, तो क्या होगा, ए बराबर आपका -3 दिया है, डी निकालेंगे तो A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है, यानी अगला में से पिछला घटाना होता है। अगला पद कितना दिया है, -1/2 दिया है, माइनस A1 कितना है, A1 आपका -3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -1/2 ये +3 और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये -1+6, तो D के मान आ जाएगा -D का मान +5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब D के मान +5/2 आ गया। अब इसमें n कितना है, 11वां पद, तो n दिया है आपका 11 दिया है। अब anवां पद का फॉर्मूला लगाइए, n बराबर होता है a+n-1 × d होता है, तो an का मान 11 है, 11 भर देंगे। a का मान कितना है, -3 है, 3 भर देंगे। यहाँ पर n कितना है, n 11 है, -1, और d कितना निकाले हैं, 5/2 निकाले हैं, 5/2 निकाले हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो -3+ ये बचेगा कितना, 11 में से एक जाएगा कितना है, 10 आएगा, और नीचे 5/2 गुणा में है, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 × 5 = 10, 5 बार में कट गया। अब ये कितना बचा, -3 बचा, प्लस 5 × 5 = 25 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 22, यानी इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा। तो इस प्रकार से आप डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं, और आप चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको आप लोग लिख सकते हैं, कितना 11वां पद को आप लोग लिख सकते हैं, A11 को a+10d और a के मान आपका कितना है, -3 है और +10 × कितना, d के मान आप घटा लीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो काट पीट करके आंसर कितना जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं। हालांकि यदि आपको क्वेश्चन, आपको जब आपको दिखाई दे रहा हो कि मतलब कि क्वेश्चन आपका मतलब कि शॉर्ट करने से आपको गलती हो सकता है, गलती होने के चांसेस है, तो आप लोग इसे डिटेल मेथड से बनाकर भी इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे, और एनवा पद के फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में आता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि ये इसका एन निकालिए, इसका पदों की संख्या क्या होगा, और या उससे क्या एनवा पद का मान बताइए क्या होगा। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर रहते हैं, और ये ज़रूर क्वेश्चन आए हुए हैं पहले और आते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्नावली 5.2 यानी समांतर श्रेणी एग्जाम